रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। मौर्य को खुद उनकी ही पार्टी के नेता घेरने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के उन पर निशाना साधने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 4 फरवरी का बताया जा रहा है। तो वहीं सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से साधु संतों पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से कर डाली है और कहा कि आजकल के बाबाओं और साधुओं को अपने जप तप पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब वे आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं इस पूरे विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साधु संतों पर विवादित बयान के बाद बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा। रामचरितमानस और सनातन धर्म पर अपने बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में हैं। सोनभद्र में मौर्य ने एक बार फिर साधु संतों पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है।